ओम शांति। 20 अक्टूबर के ईश्वर वरदान में आप सबका स्वागत है। ईर्ष्या रूपी पाप, परमात्मा ने इसको एक पाप कहा है। पाप होता क्यों है और करते क्यों हम ये? क्योंकि हमें जब ईर्ष्या होती है तो हम किसी को रोकने की कोशिश करते हैं, या तो फिर हम अपने ही रास्ते से हट जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम करने के लिए कुछ और आए हैं इस दुनिया में, और अगर हम अपना रोल नहीं निभाते हैं तो परमात्मा के हिसाब से उन्होंने दी हुई जो हमारी एक्टिंग है, हमारा जो रोल है, उसको अगर हमें नहीं निभाया, डायरेक्टर के हिसाब से अगर नहीं चले, तो वो भी तो पाप हो गया। और साथ ही साथ हम बहुत अड़चने लेके आते हैं, अपने मन को ख़राब करते हैं, औरों के मन को ख़राब करते हैं, औरों के कानों को भरते हैं नेगेटिविटी से, इम्प्योरिटी से, तो हम उस ईर्ष्या के कीटाणु चारों तरफ फैला देते हैं और हम औरों की बुराइयां करते हैं जब हमें किसी से ईर्ष्या होती है कि नहीं? तो ये कितने बड़े पाप हो गए, कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से पाप हम कर लेते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बाप को सामने रख, तरीका क्या है, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है, मतलब कि किसी को कोई स्पेशल इंपॉर्टेंट उसको अगर पोस्ट पोजिशन इस स्पिरिचुअलिटी में भी या कोई स्पेशल सेवा दी हुई है उनको, और अगर आपको नहीं दी है, तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाप को सामने लाओ। ये मत सोचो कि दीदी ने उसको फेवर किया है, भाइयों ने उसको फेवर किया। किसने फेवर किया? परमात्मा ने उनके अंदर कुछ देखा है, इसलिए उनको सामने रखा है। सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। और परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम मुझे सामने लाते हो तो तुम्हारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, तुम गलत नहीं सोचोगे, तुम ये नहीं सोचोगे कि उसको फेवर किया जा रहा है, उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि हमारी लौकिकता की फिर हमारी भावनाएं आती है, और जिसमें कि हम ईर्ष्या करते हैं और के प्रति हमारी भावनाएं चेंज होती हैं। तो अगर हर कार्य परमात्मा करा रहे हैं और स्पेशली दीदियों के द्वारा करा रहे हैं, भाई बहनों के द्वारा करा रहे हैं जो निमित्त हैं, तो उसमें हमें यही सोचना चाहिए कि परमात्मा करवा रहे हैं, उससे हम बचे रहेंगे गलत करने से। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्या वश नहीं। लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्या वश नहीं। आपस में रेस करो, रेस नहीं तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। रेस करनी है मतलब मुझे अपने जो मेरा मुकाम है मुझे उधर तक पहुंचना है, उनको उनके मुकाम तक आगे पहुंचना है। रास्ते अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन तरीके अलग अलग मतलब ये नहीं कि आप किसी और तरीके से आप योग करें या किसी और तरीके से आप ज्ञान लें या किसी और से ज्ञान लें। रास्ते अलग अलग मतलब हर एक के लाइफ में जिन लोगों से हम मिलते जुलते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो हम कार्य करते हैं, फैमिलीज जिसके साथ में हमारा हिसाब किताब है, वो रास्ते सारे अलग हैं, लेकिन मुकाम एक ही है। मैं काम करोड़ लोगों का के ऊपर जीत पानी है अपने अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को करते हुए, इसलिए रास्ते अलग हैं लेकिन मुकाम हमारा एक ही है। तो हमें रेस करनी है, लेकिन हमें रीस मतलब कि ईर्ष्या नहीं करना है। तो ये सब कुछ अगर हम अपने लौकिक जीवन में भी कर लें तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो अगर हम लौकिक जीवन में अगर हम ईर्ष्या करते हैं तो चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी जॉब हो, हर चीज़ में हम पिछड़ जाएंगे। ओम शांति के साथ।